हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता किन्नू डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे सोन पापड़ी, या फिर इसे पतीसा भी बोला जाता है। इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर आज मैं जिस तरीके से बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। तो इसे बनाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। और आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन, कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, मोटा या बारीक जो भी हो। सेम इसी कटोरी से मैंने 3/4 कटोरी यहाँ पर मैदा लिया है, एक कटोरी देसी घी, यहाँ पर आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको ऑयल नहीं लेना है। और जितना मैंने बेसन और मैदा दोनों लिया है उतना ही हमें चीनी लेनी है, और जितना बेसन और मैदा है दोनों को कंबाइंड करके उतनी ही चीनी लेनी है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी और 3/4 कटोरी चीनी ली है, और थोड़े से पिस्ता और बादाम लिए हैं बारीक कटे हुए। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे, अब इसमें बेसन ऐड कर देंगे, मैदा ऐड कर देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। तो पहले तो आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ये लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहें, और करीब इसे 7-8 मिनट आराम से लग जाते हैं भूनते हुए। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर आप इसे भूनते रहें। ये देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि ये थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसे बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे भुनता जाएगा इसमें झाग आने शुरू हो जाएंगे, ये जो हमारा मिक्सचर है वो फ्लफी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पतला होता जा रहा है, लिक्विड होता जा रहा है। तो बस इसे हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका जो कलर है वो पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना पतला हो गया है ये। और काफ़ी फ्लफी भी हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो इसे हमें गैस पे नहीं छोड़ना है, गैस पे से उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे उतार लिया है, पर जो कढ़ाई है वो अभी काफ़ी गर्म है, तो इसे हमें इस तरीके से लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, नहीं तो नीचे से जो बेसन है वो जल जाएगा। तो इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना रहने तक ठंडा करना है। अब हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन में चीनी ऐड कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर एक कटोरी और 3/4 कटोरी चीनी ली है। इसमें मैं सिर्फ 1/4 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, पानी बहुत कम ऐड करना है। इसे हम पकने देंगे, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ना हो जाए। तो देखिए धीरे धीरे जो इसका कलर वो चेंज होता जा रहा है, चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो एक कटोरी में पानी लेंगे, इसमें चाशनी डालेंगे। अगर ये आराम से उठ जाती है तो इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है, पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं उठ रही है। तो इसका मतलब अभी इसे हमें और पकाना है। अब मैं इसमें डाली हूँ 1/2 टीस्पून नींबू का रस, जिससे जो चीनी है गाढ़ी होने पर क्रिस्टल नहीं बनेंगे इसके, ये जमेगी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड किया है। इसे हम अभी और गाढ़ा करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी नहीं पकी है, क्योंकि अभी ये उठ नहीं रही है हाथ से। तो इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं जैसे इसमें गोल्डन कलर आ जाए। एक बार और चेक करते हैं। तो ये देखिए ये आराम से उठ गई है, तो इसका मतलब हमारी जो चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसे खींच के देखेंगे तो आप देख सकते हैं आराम से तार बन रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, और देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है चाशनी में। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर हम ये चाशनी ऐड कर देंगे। और चाशनी को हमें इसमें ठंडा करना है। ये देखिए मैंने चाशनी निकाल ली है, अब इसे इस तरीके से चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगी। तो इस तरीके से चलाते हुए ठंडा करें, तो जितना आप इसे चलाएंगे उतने अच्छे इसमें तार बनेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहें, और धीरे धीरे देखेंगे आप ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी।
देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है, और जितना आप इसे चलाएंगे उतने ही तार इसमें बनेंगे, उतने ही जो सोन पापड़ी है वो आपकी अच्छी बनेगी। तो अब हम इसे बेसन में पलट लेंगे। ये जो चाशनी है वो हमारी अभी भी गर्म है, पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, और जो बेसन है वो भी हमारा थोड़ा गर्म है, तो हमें इसे गर्म में ही स्टार बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, दो फोक लेंगे और फोक से हम इसे खींचेंगे दोनों फोक से, तो आप देखेंगे इसमें तार बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम खींचेंगे इसमें तो तार बनने लगेंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फोक से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इस यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करूँगी जिससे ये काम फटाफट हो जाएगा, और इसे हमें फटाफट ही करना है, हमारा मिक्सचर ठंडा नहीं होना चाहिए, तो इसे फटाफट करेंगे। अगर आपका मिक्सचर गर्म है तो आप फोक का इस्तेमाल करें, पर मैं यहाँ पर मेरा जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मैं इसे हैंडल कर पा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं हाथ से फटाफट इसके तार बनाऊँगी। तो इस तरीके से खींचते हुए तार बनाएंगे और फटाफट बनाना है। अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मिक्सचर ठंडा नहीं होना चाहिए, ये काम बहुत जल्दी करना है। तो जल्दी जल्दी आप इसके तार बनाएं इस तरीके से खींचते हुए, और साथ में बेसन मिक्स करते रहें, तो धीरे धीरे जितनी भी चाशनी है वो सारा बेसन एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी बनाएँ। और जब भी आपने कभी वीडियो देखा हो, तो जब भी ये फैक्ट्री में बनता है तो वहाँ पर 4-5 आदमी होते हैं जो इसे पकड़ के खींचते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये अकेले का काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं इसे अकेले कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और ये काम बहुत जल्दी करना होता है। अगर आपने देर कर दी, आपका मिक्सचर ठंडा हो गया, तो जो आपकी चीनी है वो जम जाएगी, उसमें गांठें बन जाएंगी, और हम चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गांठें ना बने, सारे धागे बने अच्छे से। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी जितनी कोशिश है मेरी, फटाफट मैं इसमें धागे बना रही हूँ इस तरीके से, और धीरे धीरे जो बेसन है वो भी मिक्स करती जा रही हूँ, तो क्या होगा धीरे धीरे जितना भी बेसन है वो चीनी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से खींच खींच के फटाफट आप बना सकते हैं धागे, तो जितने ज़्यादा धागे बनेंगे उतनी आपकी सोन पापड़ी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए कितने सारे धागे बन गए, मैं फटाफट इसे बना रही हूँ, मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो आपका जो चीनी है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी, वो जम जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे धागे तैयार कर लें फटाफट। तो देखिए इसमें थोड़ा ये इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी की हेल्प लें। तो ये देखिए मैंने सारे जो धागे हैं वो तोड़ लिए हैं, अब इसे हम बर्फी की शेप देंगे। तो अगर कहीं भी आपको गांठें नज़र आ रही हो, तो आप इसे खींच खींच के इस तरीके से धागों में कन्वर्ट कर दें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से खींच लिया है, अब मैं इसे बर्फी के लिए सेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग टिन लिया है, इसमें हम इसे जमा देंगे। तो इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से लेकर, और इसे हम किसी भी आप थाली में जमा सकते हैं, किसी भी बेकिंग टिन में इस तरीके से जमा दीजिए, बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे सेट कर देंगे। अगर आपको कहीं मोटी गांठें नज़र आए तो वो आप निकाल दें, क्योंकि वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम एक थाली रखेंगे और इसे पलट लेंगे। तो अभी हमें इस पर कट के निशान लगाने हैं, तो पहले मैं इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लेती हूँ, जिससे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो अब हम क्या करेंगे, चाकू से इस पे कट के निशान लगाएंगे। इसे हमें काटना नहीं है, सिर्फ निशान लगाना है। तो हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, ताकि जब ये जम जाए तो हमें बाद में काटने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम इसमें सिर्फ निशान लगा देंगे, जितने बड़े पीसेज आप रखना चाहते हैं उतने बड़े पीसेज आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं काट रही हूँ, सिर्फ निशान लगा रही हूँ काटने के। तो इसे हम जो कट है वो बाद में करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी बड़े पीसेज आप रखना चाहें उस हिसाब से आप कट लगा लें, और इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, खुद ब खुद सेट हो जाता है। आपको इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जम जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे आपको बाहर ही छोड़ना है। ये देखिए ये बर्फी हमारी सेट हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं इसे आपको दिखाती हूँ कितनी फ्लेकी है ये। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने धागे बनाए थे वो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा फ्लेकी बनी है।
तो इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तैयार होती है, और अगर आप मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।